फिटकी रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना बड़ा बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं अप्पम पैन में बनाऊंगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अप्पम पैन में बनाने से बहुत ही कम तेल में साबूदाने बड़े बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी साबूदाना बड़ा बनाना शुरू कर। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप साबूदाना लेंगे, जिसमें 2 कप पानी ऐड करके 3 से 4 घंटे तक भिगोकर छोड़ देंगे। और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालकर पंखे के नीचे 5 से 10 मिनट तक सुखा लेंगे। और अब हम इसमें 2 मीडियम आकार का उबले हुए आलू ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या मैश करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे व्रत के लिए बना ले रहे हैं, इसलिए कूटी हुई 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें, जिससे इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाए, इसलिए इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मैं डालिए तो इससे टेस्ट इसका काफी अच्छा आता है। और अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ 1/2 कटोरी हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया डालने से इसका कलर काफी अच्छा आता है। और अब हम इसमें 2 बारीक कट किया हुआ हरा मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप व्रत में लाल मिर्च भी खाते हैं तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे व्रत में खाने वाले सेंधा नमक स्वाद के अनुसार ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करिए और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। इसका टेस्ट थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथ को घी से ग्रीस कर लेते हैं और 1 छोटा सा बॉल्स लेंगे और इसे गोल शेप देते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे अप्पम पैन में बना रही हूँ, अगर आप अप्पम पैन में साबूदाने बड़े नहीं बना रहे तो इसे फ्राई कर रहे हैं तो बड़े का शेप दे सकते हैं। अप्पम पैन में साबूदाना बड़े बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, जितना साइज अप्पम पैन का उतना बड़ा है। अब हम गैस पे अप्पम पैन चढ़ाएंगे और इसमें 1/2 स्पून घी या व्रत में खाने वाले रिफाइंड का तेल ऐड करें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें 1-1 करके सारे साबूदाने पीस ऐड कर देंगे। साबूदाने बड़े खाने में ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और ये हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और व्रत में इसे खाएं तो थोड़ा चटपटा सा स्नैक्स के रूप में टेस्ट आता है। इस तरह से हमने सारे अप्पम पैन में बड़े डाल लिए हैं और इसी 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब भी साबूदाने बड़े अप्पम पैन में बनाएं तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अगर हाई फ्लेम पे हम साबूदाने बड़े बनाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम साबूदाने बड़े को पलट लेते हैं दूसरे साइड से। साबूदाने बड़े को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। साबूदाने बड़े बनने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है और ये काफ़ी सेहत के लिए फायदेमंद है और हमारे बच्चे काफ़ी चाव से खाते हैं और मैं व्रत में इसे ज़रूर बनाती हूँ। देखिए दूसरे साइड से भी मैं साबूदाने बड़े को पकने देती हूँ मीडियम फ्लेम पर। साबूदाने बड़े का कलर चेंज होने लगा है तो इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा। देखिए और अब हम इसे टिश्यू पेपर पे बाहर निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।